अभागों का घर, जीवन की सुहावने दिन समय की निष्ठुरता में अपने अस्तित्व को नष्ट कर चुके थे। वर्षों से मन में शांति न थी, शरीर अस्वस्थ रहता था। प्रतिदिन की निराशा उदासीनता ने मेरी दिनचर्या को हाहाकारमय बना डाला था। जीने में कोई सुख नहीं, फिर भी जीना होगा, रो रो कर जीना होगा, मरने के लिए जीना होगा, ऐसा इस विश्व का नियम है। मैं अस्पताल के कमरे में आराम कुर्सी पर लेटा था। बिजली के प्रकाश में कमरा आलोकित था। रुग्ण अवस्था में दार्शनिक विचार बहुधा मस्तिष्क के चारों ओर मंडराया करते हैं। मैं इसी तरह की बातों में तल्लीन था। बहुत देर तक सोचता रहा। अंत में इस निर्णय पर पहुंचा कि यह सब व्यर्थ है। जीवन में दो ही सत्य हैं, प्रसन्न रहना और मर जाना। इसी समय एक कविता की कुछ पंक्तियां मैं गाने लगा। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर रहते हो क्यों, द्वार पर खड़ी मिस क्रेसी ने पूछा। मैं भीतर आ सकती हूँ? मैंने कहा, जी हाँ आइए। क्रेसी अस्पताल की नर्स थी। उस श्रेणी की अनेक नर्सें प्रतिदिन ड्यूटी बदलने पर मेरा द्वार खटखटाती थी। मेरी सेवा का भार अनेक पर था, लेकिन क्रेसी को मेरी विशेष चिंता थी। उसकी आंखों से यह प्रकट होता था कि वह प्रतिक्षण यह चाहती रहती है कि मैं शीघ्र ही निरोग हो जाऊं। उसके सरल और गंभीर भाव तीव्र गति से मेलजोल बढ़ा रहे थे। क्रेसी ने मेरे समीप आकर पूछा, आज तो आप प्रसन्न मालूम पड़ते हैं। मैंने उसकी ओर देखते हुए कहा, क्यों? उसने कहा, इसलिए कि आप गा रहे थे। मैंने कहा, क्या गाने से प्रसन्नता की सूचना मिलती है? उसने गंभीरता से उत्तर दिया, जब मनुष्य के हृदय में प्रसन्नता गुदगुदाने लगती है तभी वह गाता है, अथवा वेदना जब हृदय में फूल उठती है तब वह गीत का हार गूंथने लगती है। मैंने कहा, मैं कई दिनों से उसकी बातों से ही उसको टटोल रहा था। वो भोली और गंभीर थी। दूसरी नर्सों की भांति बात बात में हंसना, भाव प्रदर्शन करना इत्यादि विशेषताएं उसमें न थी। मेरे लिए वो एक पहेली बन गई थी। मैं चुपचाप उसकी ओर देख रहा था। उसने कहा, आपकी दवा का समय हो गया है। मैंने कहा, ठीक है, लाओ। उसने कांच के एक छोटे से गिलास में दवा उड़े ली। इसके बाद उसे लाकर मेरे होठों से लगाया। मैं आंखें बंद किए हुए एक ही सांस में पी गया। उसने पूछा, दवा कड़वी है, कष्ट होता है? मैंने कहा, विशेष नहीं। नित्य का यह नियम था कि 8 बजे मुझे दवा पिलाकर वह चली जाती थी। उस दिन उसका कार्य समाप्त हो जाता था। वर्षा के अंतिम दिन जाड़े के सूर्य की प्रथम किरणों की प्रतीक्षा में अपनी आंखें बिछाए हुए थे। मेरे उज्जवल दिवस विश्राम की चादर ओढ़े थके बड़े थे। मैं कराहता था, हंसता था, गाता था। संसार में कौन किसका है, कौन किसके लिए रोता है, यह सब कुरी कल्पना है। स्वार्थ की रुलाई निराशा के अंधकार में डूब जाती है। हम लोग सब भूलने लगते हैं स्नेह, प्रेम, उत्साह और प्रसन्नता को कुचलता हुआ मनुष्य कहां से कहां चला जाता है। आज एक मास से मैं अस्पताल की इसी स्प्रिंगदार शैया पर पड़ा जीवन मरण के अगणित प्रश्नों का उत्तर प्रत्युत्तर देता रहा हूं। कल दिन भर बुखार चढ़ा था। क्रेसी ने 4 बार टेम्परेचर लिया। उसने उदास आंखों से कई बार मेरी तरफ देखा था। मेरी आंखों में ज्वाला थी। ज्वर शांत हो गया था। अकेले बैठे बैठे मन नहीं लगता। अतएव मैं कभी बरामदे में टहलता हुआ अन्य रोगियों की अवस्था देखता था। आज तो बड़ी ही भयानक दुर्दशा एक रोगी की देखी। उसका मुंह फूल कर फुटबॉल हो गया था। उसे बड़ी पीड़ा हो रही थी। स्ट्रेचर पर लाकर उसे बाहर की शैया पर सुलाया गया था। मैं उसे देखकर भयभीत हो गया, फिर भी अपने कमरे के द्वार पर खड़ा देखता रहा। डॉक्टरों का समूह उसकी परीक्षा कर चुका था। ऑपरेशन हो रहा था।
क्लोरोफार्म से वह बेहोश था। एक डॉक्टर छुरे से उसका मांस काट कर निकाल रहा था और क्रेशी उसे सहयोग दे रही थी। खून से उसका हाथ लथपथ हो रहा था। मैं कांप उठा। ठीक उसी समय बड़ी मैम निरीक्षण करने के लिए आ रही थी। मैंने उन्हें देखकर कहा, गुड मॉर्निंग सिस्टर। उन्होंने मेरे समीप आते हुए कहा, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। मैंने बड़ी प्रसन्नता से कहा, अब मैं निरोग हो रहा हूँ। इस सप्ताह में 1 पाउंड बढ़ा हूँ। मुस्कुरा कर कहते हुए वो आगे बढ़ी। मैं अपने कमरे में चला गया। उस दिन संध्या समय क्रेशी मेरे कमरे में आई। मैं कुर्सी पर बैठा था। उसने लोशन की शीशी हाथ में लेकर मेरे केशों को तर किया। इसके बाद कंघी से मेरे बालों को संवारने लगी। वो चुप थी। मैंने आंखें बंद किए हुए कहा, तुम्हारे कार्यों को देखकर मुझे आश्चर्य होता है। वो कितना भयानक रोगी आया है और तुम कितने साहस से उसकी सेवा करने में तत्पर रही हो। तुम्हारे मुख पर तने भी घृणा का भाव प्रकट नहीं होता था। सचमुच तुम बड़े विचित्र हो, ने कहा। यही मेरा जीवन है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें गंभीरता का प्रकाश उंडेल रही थी। मैं चुप था। उसने फिर कुछ देर सोच कर कहा, सेवा ही हमारी जीविका है। मैंने कहा, तुम धन्य हो, तुम्हारा ही जीवन सार्थक है। इसी तरह 1 सप्ताह और समाप्त हुआ। मैं अब स्वस्थ हो गया था। क्रेशी के प्रतिदिन के कार्यक्रम मुझे उपन्यास के परिच्छेद की भांति आकर्षक प्रतीत होते थे। उसकी जीवन संबंधी घटनाएं मेरे मस्तिष्क की खुराक बन गई थी। नौकरों से जब बातें होती तब उसी की चर्चा, रोगियों से भी जब वार्तालाप होता तब उसी की प्रशंसा। एक दिन एक बूढ़े रोगी ने मुझसे कहा, महाशय, इस छोटी मैम ने मेरी जान बचाई है, क्या ऐसी सेवा घर में अपने माँ बहन भी कर सकती है? भगवान इसका भला करे, मैं जीवन भर इसका गुण गाऊंगा। उसी समय क्रेशी वहां आ गए। उसने बूढ़े रोगी की तरफ देखते हुए बड़े प्यार से कहा, तुम दिन भर बातें करते हो। उसने प्रेम से गदगद होकर कहा, क्या करूं माँ, अपना मन बहलाता हूँ। मैं वहां से हट गया। क्रेशी भी अपना काम करने लगी। वो रोगी क्रेशी को माँ ही पुकारता था। उसके इस संबोधन में कृतज्ञता थी, सरलता थी। दोपहर का समय था। इस समय क्रेशी को थोड़ी देर के लिए अवकाश मिलता था। मैं लेटा हुआ एक पुस्तक पढ़ रहा था। वह आई। मैंने पुस्तक रखते हुए कहा, क्या आ गया है? उसने कहा, आप समाचार पत्र पढ़ चुके हैं, मैं ले लूं? मैंने कहा, हाँ, प्रसन्नता से। उसके मुख की गंभीरता सदैव उदासीनता की खाई में छिपी रहती थी। मेरे लिए यह एक कौतूहल था। आज साहस करके मैंने कहा, एक बात पूछना चाहता हूँ, यदि इसे अनुचित न समझो। उसने कहा, हाँ पूछिए। मैंने कहा, यहाँ पर जितनी नर्सें हैं, क्या जीवन भर वे अविवाहित ही रहेंगी? मेरे इस मूर्खतापूर्ण प्रश्न पर उसे आश्चर्य हुआ। उसने कहा, नहीं तो इनमें से अनेक उपयुक्त पति प्राप्त हो जाने पर अपना विवाह कर लेंगे। मैंने दृष्टता से पूछा, और तुम? उसने कहा, मैं जब भी इस प्रश्न पर विचार करती हूँ, मेरा उत्तर यही होता है कि मैं अविवाहित रहकर ही अपना जीवन व्यतीत करूंगी। मैंने उत्सुकता से पूछा, ऐसा क्यों? उसने कहा, पुरुषों पर मेरा विश्वास नहीं है, फिर भी उनकी सेवा मेरी जीविका है। मैं बचपन से ही अनाथ हूँ। मेरे पिता का माँ के प्रति सदैव ही दुर्व्यवहार रहा है। मेरी माँ का कष्टों में ही अंत हुआ था। कहते कहते वह चुप हो गए। इतने दिनों के परिचय के बाद उसने जैसे अपने हृदय की बात कही थी, वह फिर एक शब्द भी न बोले, चुपचाप मेरे कमरे से चले गए। 3 वर्ष बीत चुके थे। उस दिन महीनों भ्रमण करने के बाद प्रदेश से मैं घर लौट रहा था। मुगल सराय स्टेशन पर गाड़ी ठहरी। बड़े कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। कोहरा छाया हुआ था। सूर्य की किरणें आकाश में फैल रही थी। मैं चाय पीने के लिए गाड़ी से उतरा। सामने ही बगल के प्लेटफार्म पर बेमेल खड़ी थी। मुझे वहां एक अपनी परिचित आकृति दिखलाई पड़ी। मैं समीप गया। आश्चर्य से मैंने पूछा, मिस क्रेशी? उसने मेरी ओर उसी तरह आश्चर्य से देखा। उसके साथ एक युवा पुरुष भी था। मैं भावोन्मुक्त
होकर कहने लगा, इतने दिनों के बाद तुम्हें देखकर मन होता है कि तुम्हारी गाड़ी में बैठकर तुम्हारे साथ ही चलूं। उसने उस पुरुष की ओर देखते हुए मुझसे कहा, मैंने बहुतों की सेवा से थक कर अब केवल इन्हीं की सेवा का भार लिया है। यह मेरे पति है, अब मैं विवाहित हूँ। वह पुरुष मुस्कुरा रहा था। मैं सचेत होकर दोनों की ओर देख रहा था। सहसा मेरे मुख से निकला, भगवान तुम लोगों को प्रसन्न रखे। ठीक उसी समय इंजन ने सीटी दी, गाड़ी चलने लगी। खिड़की से वे दोनों रुमाल हिला रहे थे। मैं प्लेटफॉर्म पर खड़ा रुमाल से उनका उत्तर दे रहा था। कहानी समाप्त।